अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जी हम लोग जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? और कहाँ जा रहे हैं ये साथ साथ आप लोगों को बताएंगे। आप लोग आके पूरा व्लॉग देखना। और जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिरयानी, जो सबकी फेवरेट होती है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा बिरयानी जो है पसंद की जाती है और सबा की बहुत ज़्यादा फेवरेट बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं साथ साथ कीमा मटर बना रही थी अब्बू के लिए। हम सब ने तो बिरयानी खाई थी, लेकिन हाँ। अब्बू के लिए जो है वो सालन बना रहे थे हम लोग। और यहाँ पे बन रहे हैं जी पकौड़े मज़ेदार। और जी बिरयानी रेडी हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा मज़े की थी। बहुत जो दिखने में लग रही है ना, इससे ज़्यादा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा यमी थी। और जी ये हम लोग निकल गए थे, रास्ते में थे, और ये देखें कितना प्यारा व्यू है। और धूप तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये था कि जब हम लोग उस जगह पर पहुँचे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा मौसम था, ठंड ठंड लग रही थी। तो ये जी रास्ते से जाते वक्त मैंने आप लोगों को व्यू भी दिखाया है। तो ये देखें यहाँ पे ये जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी। बहुत ज़्यादा ऐसे गांव वाली फीलिंग्स आ रही थी मज़े की, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था यहाँ पे। हाँ, बहुत मज़े का व्यू है। ये देखें बड़ी ज़बरदस्त जगह है ये। तो जी यहाँ पे ब्रार का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, इसलिए ऑफ था क्योंकि इसको गाड़ी चलाने के लिए नहीं दे रहे थे अब्बू। इसका बहुत दिल था कि गाड़ी चलाऊं, और अब्बू ने कहा नहीं देर हो रही है। और यहाँ पे सोमी ऐसे बड़ा तंग कर रही थी। और उसके बाद जी सुनो, पानी पीने का है नहीं पीने का? पीने का है। ये किधर से आता है पानी? पहाड़ों से आता है। पहाड़ों से आता है। अच्छा, से रखती होती हो? हाँ, इधर देखो ना कितने रोजे रखे हैं। हाँ, कितने रोजे रखे हैं? किसी ने रोजे रखे कितने? पेट में पेट में रोजे रखे हाँ? अच्छा। तो जी उसके बाद फाइनली हम लोग इस जगह पे पहुंच गए थे। ये है जी बालाकोट, और लुक एट द व्यू, मतलब इतना जबरदस्त। सामने आप पहाड़ देख सकते हैं, कितनी प्यारी धूप लग रही है। और यहाँ पे आप इफ्तारी करने जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, वैसे फ्रेंड्स के साथ जा सकती हैं या सकते हैं जो भी। तो ये पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, इतना ज़्यादा मतलब एक सेकंड हम लोग जस्ट पाँव रखते थे और बस बाहर निकाल देते थे, इतना ज़्यादा। मौसम भी अच्छा हो गया था, मौसम भी अच्छा हो गया था वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। चलो तो जी यहाँ पे हमने चटाई बिछाई, और उसके बाद जो जो सामान रहता था और वो हम लोग लेने के लिए जा रहे थे और साथ साथ सामान लेके आ रहे थे। और यहाँ पे जी चम्मच एक जो सामने रखी हुई थी, और यहाँ पे अम्मी नमाज पढ़ रही हैं। और ये देखें जी हम लोग फिर चले गए थे पानी वाली जगह, दरिया के पास चले गए थे। और यहाँ पे जी इब्रार को देखें, ये शरबत ठंडी करने के लिए लेके गया था। यहाँ पे ये कि बस पानी में जो चीज़ रखें, पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि अगर इसमें हम लोग पानी रखते, मतलब बॉटल्स रखते जैसे शरबत की, तो वो एकदम ठंडी हो जाती। तरबूज भी रखे, हाँ वो भी तरबूज एकदम। तो यहाँ पे इब्रार जी शरबत ठंडी कर रहे थे, और यहाँ पे मैं हमें बहुत ज्यादा प्यार है। ये देखें बहुत ज्यादा प्यार है। क्या हुआ? टाइम अभी बहुत रहता है, अभी आधा घंटा है, टेंशन ना लो। ये अम्मी ऊपर बैठी हुई, ये तैयारी कर रही है, अम्मी फ्रूट चाट बना रही है। अम्मी फ्रूट चाट पानी।
अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज हम घूमने आए हुए हैं, ये देखें बालाकोट वाली साइड पे पानी वाली जगह हम घूमने आए हैं। और मेरे दोस्त बोल रहे थे कि तुम व्लॉग में बात नहीं करते, तो मैंने बोले चलो आज हम खुद व्लॉग बनाते हैं। देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। तो आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ और आए आपको ज़रूर बताना कौन कौन रमज़ान में घूमने गए, हम भी देखें कौन कौन सी जगह गए। नीचे जगह प्लेस भी कमेंट कर देना है, सही है? और ये बताना भी कि साथ ये बहुत अच्छी जगह है, आप भी जाएं चेक करें और आप भी यहाँ पे ज़रूर आना और चेक करना कि कैसी जगह है। बहुत VIP प्लेस है, ये देख सकते हो आप। और ये हम चीनी भूल गए थे, अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पे चीनी लाने, तो अभी चलो चलते हैं, भागते हैं, दुकान मिल जाए यहाँ पे बड़ी बात है। तो ये देखो जी दुकानें बंद हैं, वो सामने देखो, ये है एक साइड पे मिल गई दुकान। दुकान पे आए हैं चीनी लेने और ये प्लेस चेक करो कैसा प्लेस है, देख सकते हो व्यू। फाइनली चीनी हमें मिल चुकी है और अब हम जा रहे हैं, बाय बाय, चलो फिर भागते हैं। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाट और चटनी। हम लोग क्यूब्स साथ लेके गए थे चटनी के बाउल में डाल के, कि वहाँ पे हम लोग जस्ट जो है वो दही मिक्स करके और बस चटनी बन जाएगी। और उसके बाद जी आप भी देखें, पीछे होटल था और यहाँ पे आगे जगह बनी हुई थी बैठने की और काफ़ी ज़्यादा जगह थी। और यहाँ पे जी चटनी रेडी हो चुकी है और ये है जी चन्ना चाट और साथ थे जी क्या कुछ भी नहीं और यहाँ पे जी साथ साथ अम्मी बना रही हैं फ्रूट चाट और ये देखें जी क्रीम मिक्स कर रही हैं। वहाँ पे हम लोग फ्रूट्स लेके गए थे, बस काटेंगे और वहाँ पे फ्रूट चाट बना देंगे। और उसके बाद ये चटनी, उसके बाद जी यहाँ पे हैं समोसे और मेरा रोज़ा है और मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, क्या कर सकते हैं। रोज़ा है मेरा और मैं वाइस ओवर कर रही हूँ। और ये है जी तरबूज और यहाँ पे जी पकोड़े, फ्रूट चाट भी रेडी हो चुका था, सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी। हाँ, और स्पेशली बिरयानी बहुत मज़े की थी। और उसके बाद जी क्या कहते हैं, उसके बाद ये यहाँ पे सोमिया समोसे रख रही थी प्लेट में और ये देखें साथ साथ समोसे रख रही है और साथ उसने रखे थे क्या रखे थे, शामी कबाब भी रखे थे। पर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह अजान हो और हम लोग रोज़ा अफ्तार कर लें। स्वामी मेरे लिए दुआ करना, इब्रार आप भी दुआ करो, मैं भी दुआ कर रही हूँ। ये जी पीछे देखें दरिया, तो जैसे ही आसान हुई है हम लोग खाने पे टूट पड़े थे और यहाँ पे तरबूज खाने का हाँ, मजा आता है ना बहुत ज्यादा, और ठंडा तरबूज था ना तो बहुत ज्यादा मजा आया। अभी तो मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि हमारा रोजा है। और उसके बाद जी यहाँ पे मैं चटनी के साथ खा रही हूँ शामी कबाब, ये देखें बहुत मज़े के थे। हाँ, और यहाँ पे बिरयानी अम्मी डाल के दे रही थी, वो एक वहाँ पे बंदे बैठे हुए थे उनको तो। और ये देखें जी यहाँ पे मैं खा रही हूँ बिरयानी। रोज़ा अफ्तार करने के बाद, इतनी ठंडी जगह पे रोज़ा अफ्तार करने के बाद जी हम लोग आ गए थे अपनी नानों के घर, क्योंकि मेरी नानों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो आप सब उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करना कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता करें और अल्लाह पाक उन्हें जल्दी से ठीक कर दें। तो उसके बाद जी हम लोग वापस आ गए थे घर की तरफ और यहाँ पे इब्रार अली गाड़ी चला रहा है और इसको शुक्र है अब ने गाड़ी चलाने के लिए दे दी थी, वरना और बहुत ज़्यादा खुश था। हाँ, सारे रास्ते इसका मूड ऑफ ही रहता, ज़्यादा तो मूड लगा है हमारा घर पहुंचने में, तो माशाल्लाह गाड़ी सही चला लेता है। तो आप सब भी बताना आप सबके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए, ऐसी हमारी वीडियोज़ देखें, लाइक करें।
तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।